हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएंगे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सीखेंगे चैप्टर सेकेंड गाउस के पर में वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। ठीक ना, आज इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्लस आपको इससे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करते हैं तो आपका नॉलेज भी स्किप हो सकता है। ये पार्ट है 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे थोड़ा सा और टफ। तो न्यूमेरिकल्स की टफनेस जो है बढ़ती गई, और यहाँ पे पार्ट जो 4 है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। टफ न्यूमेरिकल्स मतलब बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विविध अंकित प्रश्न है, मिसलिनियस न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स हैं। 17.8 पीको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन का वैल्यू दे रखा है 8.85 × 10⁻¹² कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, एक सिंपल न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो पहला, सबसे पहले करिए, घन की एक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा जब उसके अंदर आवेश दे रखा है, आवेश Q बराबर दे रखा है 17.8 पीको कूलम। ठीक ना, पीको कूलम में होता है 10⁻¹² कूलम, 10⁻¹² कूलम। भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे वैद्युत फ्लक्स, एक फ्लक्स से, एक घन है, इस घन की अगर हम बात करते हैं तो घन में कितनी भुजाएं होती है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ये घन हो गया, ठीक है, इस घन के अंदर मान लेते यहां पे कहीं एक आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है, तो इस क्यू आवेश के कारण कह रहे कि एक ही फ्लक्स से, इस वाले फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इस क्यू के कारण छह फ्लक्स से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत पूरे घन से कितना निकलेगा, पूरे घन से निकलेगा फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस के प्रमेय से क्या जाएगा, फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे घन से निकलेगा। लेकिन कह रहे कि एक ही फ्लक्स, तो एक ही फ्लक्स से क्या करें, इसका 1/6 भाग निकलेगा, क्योंकि पूरे में से अगर इतना निकल रहा तो एक फ्लक, क्योंकि 6 फ्लक है इसमें, तो एक फ्लक से कितना निकलेगा, पूरे का 1/6 भाग। क्यू का वैल्यू रखेंगे 17.8 × 10⁻¹² डिवाइडेड बाय 6 × 8.85 × 10⁻¹² 10^-12 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो 2/6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका खुद करेंगे आप। चित्र 2.21 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के
केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए। सिंपली इसी के जैसे क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन करा था, सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन, बस भुजा कितना रखा है 5 सेंटीमीटर रखे, तो यहाँ पे भुजा का कोई काम है ही नहीं, घन चाहे छोटा हो या बड़ा हो वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक ना। और आवेश चाहे केंद्र में रखा हो या किसी कोने में रखा हो या कहीं पे भी रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, वैद्युत फ्लक्स हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है, इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन सेम करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 10, कह रही कि चित्र 2.2 में 0.1 मीटर भुजा वाले घन के अंदर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के घटक निम्न प्रकार है। ई एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहां ए इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम मीटर, ई वाई इक्वल टू 0, ई जेड इक्वल टू 0। तो गणना कीजिए घन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स और घन के अंदर स्थित वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे एक चीज समझने की है कि बाई कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब बाई कंपोनेंट से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। जेड कंपोनेंट इसका 0 है, तो इसलिए जेड अक्ष के डायरेक्शन में भी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। ओनली वैद्युत फ्लक्स निकलेगा किस अक्ष में, एक्स अक्ष में। उसके लिए ये वाला हमारे पास डायग्राम दे रखा है, इसे डायग्राम से इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करना है, तो देखिए ये दे रखा है घन, ठीक है। तो देखिए इस वाले, ये वाला जो फलक है, फलक फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाई के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, ये वाई के डायरेक्शन में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो इस वाले कंपोनेंट से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि वाई 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाई कंपोनेंट 0 है, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ऊपर से ये वाला जो फलक है, ये वाला, इस वाले फलक से और अंदर बीच में जो फलक दिख रहा है आपको, ये वाला फलक, ये फोर्थ, इन दोनों में से भी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, ना तो ये बाहर की तरफ जाएगा ना ही अंदर की तरफ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब है बाहर की तरफ और इसका मतलब है अंदर की तरफ, क्योंकि इसका जेड कंपोनेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, 0 है, तो इन दोनों फ्लक्स से भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू क्या, ए एक्स है, तो इसका मतलब ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक इसको मैं शेडेड कर देता हूं, और ये वाला फलक, ये दो फलक से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, निकलेगा जो शेडेड है, ठीक ना। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई एक्स इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो इस वाले फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और इस वाले फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक ना। इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में एस, और इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में एस। तो यहां पे बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस वाले कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा एरिया वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में, इस वाले फलक के लिए वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री का और यहां पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का, कितना बनेगा 180 डिग्री का। और दूसरी चीज, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक्स कंपोनेंट, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है, मतलब दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहां से इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है वो 0.1 मीटर है, और इसके केंद्र से इस वाले फलक तक की जो दूरी है वो आ जाएगा आपका 0.2, क्योंकि 0.1 ये वाला डिस्टेंस और 0.1 ये वाला डिस्टेंस की लेंथ, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना है, 0.2। तो इसको हम लेफ्ट फलक का नाम देते हैं, इसको राइट फलक का नाम देते हैं, मतलब दाएं, और ये सॉरी ये बाया हो गया और ये दाया हो गया, ये लेफ्ट। तो यहां पे बात करेंगे ई एक्स एल, लेफ्ट हैंड पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इक्वल टू जगह ए का वैल्यू है 500 इंटू एक्स का वैल्यू, इस वाले फलक की डिस्टेंस कितना 0.1, तो ये 0.1 इक्वल टू कितना 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो लेफ्ट फलक से बद वैद्युत फ्लक्स फाइ एल, लेफ्ट फ्लक्स फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, फाइ एल इक्वल टू जगह ई एक्स एल इंटू ए कॉस थीटा, ए जो हो जाएगा ए या एस ले लेते हैं यहां पे, इसको एस ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि एस से रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पे, तो एस ले लेते हैं इसको, ठीक। तो एस कितना है यहां पे, एरिया वेक्टर कितना है,
एल इंटू एल, तो यहां पे निकाल देते हैं एस बराबर जो है 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0.01, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितना 0.1 है दे रखा है, भुजा जो है घन की जो भुजा है वो 0.1 मीटर का है, तो क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई एक फलक का तो 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये ईएक्स 50 इंटू 0.01 इंटू यहाँ पे एंगल मैंने बताया आपको कितना बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे या इस फलक पे इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे कॉस 180। क्या यूज करेंगे? कॉस 180। 50 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.5, 50 का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 0 इंटू कॉस 80 का जो वैल्यू, 180 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है माइनस का 1 होता है, क्योंकि कॉस 180 प्लस 0 तो क्या जाएगा माइनस का कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना था 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस का 0.50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स निकल रहा है किससे, लेफ्ट फ्लक्स से। अब राइट फ्लक्स से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो उसके लिए हो जाएगा ई एक्स आर, इसके लिए ये जो ए एक्स, ए का वैल्यू है 500 इंटू एक्स, देखेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है इस वाले फ्लक की जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से कितना है 0.2 मीटर, तो यहां पे एक्स का वैल्यू रख देंगे 0.02 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दुना 10 कितना है 1000 आएगा, ठीक है, 500 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 1000, एक दो एक दो स्थान पर दशमलव लगेगा तो इस पॉइंट पे आ जाएगा दशमलव डेसिमल हो जाएगा, ठीक है 0.2 है 0.2 और लेती है जाएगा 100.0 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो राइट फलक से बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बद वैद्युत फ्लक्स फाई आर राइट फ्लक्स से, यह जो ई एक्स आर इंटू एस और कॉस थीटा, यहां पे थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, पीछे मैंने आपको बता रखा है, तो इसका वैल्यू हो गया 100 इंटू एस है 0.01, ये देख लीजिए एक बार एस इक्वल टू 0.01 और यहां पे एंगल जो है क्योंकि एरिया वेक्टर और ई एक्स वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना जाएगा फाई इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। देखिए फाई एल का वैल्यू कितना आया 0.-0.50 और फाई आर का वैल्यू कितना है 1.00, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा पूरे घन से। क्लियर? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट पूछा है कि घन के अंदर कितना आवेश रखा है, तो घन के अंदर आवेश निकालने के लिए कूलम का नियम यूज करेंगे, तो गॉस के नियम से फाई टोटल जो फ्लक्स निकलेगा तो फाई इक्वल टू जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू इक्वल टू जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई का वैल्यू है 0.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10^-12, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 का 2 40 और 2 42, 4 40 और 4 44, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा गुणा 10 के माइनस का 12, तो उसको लिखते हैं 4.425 पीको कूलम, तो इतना
आवेश जो है उस फलक के या उस घन के अंदर हो सकता है, 4.425 पिको कूलम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कुछ सीखने लायक क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग है, जैसे जैसे डिस्टेंसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि इस पॉइंट पे इस फलक पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पे या इस फलक पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस मूल बिंदु से दोनों फलकों की डिस्टेंसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग डिस्टेंसेस रख के हमने विद्युत फ्लक्स निकाला, सॉरी विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 11 है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, गोले के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दे रखा है व्यास, दे रखा है गोले का व्यास, गोले का व्यास दे रखा है 4.2, वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, 4.2 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा आर इक्वल टू 2.1 मीटर, क्योंकि व्यास का क्या होता है आधा होता है त्रिज्या, तो आर इक्वल टू 2.4 मीटर, तो त्रिज्या जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, अपृष्ठ आवेश घनत्व देखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये रखा 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 80×10^6 माइनस का 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसमें बताना है कि गोले पर कितना आवेश है, तो फर्स्ट निकालना है गोले पर आवेश क्यों निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A कुल आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऐसे Q इक्वल टू जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो देखिए यहां पे A गोले का कुल क्षेत्रफल, अगर गोले के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू 80×10^6 माइनस का 6×4 ठीक ना, आप पाई का वैल्यू ले लेंगे 3.14×r, r का वैल्यू है 1.2 मीटर का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4×32 320×3.14×12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.44×10^6, जब इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1.54×10^3 कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना फिर उसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा इतना। सेकंड चीज हमें निकालना है कि इस गोले के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलना है, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो गॉसस लॉ यूज करेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाइ इक्वल टू जाएगा Q/ε0, क्योंकि हमें पता चल गया कि गोले पर कितना आवेश है, तो 1.45×10^-3 बटे कितना जाएगा ε0 का वैल्यू जो 8.85×10^-12 ठीक ना, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं तो 145/885×10^-3 प्लस का 12, ये ऊपर चल जाएगा तो प्लस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो स्तंभ दशमलव है, यहाँ पे भी दो स्तंभ दशमलव, दशमलव से दशमलव हमने उड़ा दिया, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो देखेंगे तो 5×10 5×45 5 से काटेंगे तो 5×1=5 38 5×7=35 बचे कितना 3 35 5×7=35 ठीक ना, अब ये नहीं कटेगा तो 29/177×10^6 ये हो जाएगा आपका कितना 12 में से 3 गया 9, तो उसको लिखेंगे 290/177×10^8 एक जीरो ले लेते इसके साथ, घात क्या जाएगा एक कम हो जाएगा,
इससे उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.638 गुणा 10^8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है और कैलकुलेशन करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र 2.24 में गोलीय पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। देखिए एस डैश से बड़ा वाला जो गोला है वो एस डैश है और छोटा वाला जो गोला है वो एस है। तो कह रहे कि एस से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका 4 गुना वैद्युत फ्लक्स जो है एस डैश से निकलता है। ठीक है, तो कह रहे कि एस डैश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। ठीक है ना, मतलब अगर मान लेते कि इस छोटे वाले वैद्युत फ्लक्स, छोटे वाले गोले से अगर 4 वैद्युत फ्लक्स निकलता है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस बड़े वाले से कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, इसका 4 गुना होगा। आवेश कैपिटल क्यू का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल क्यू का एक आवेश रखा है और दिया है Q1 = 1 μC, Q2 - -2 μC और Q3 = 9.854 μC। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये चीज दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ है S, इसके अंदर कितना आवेश है। गोलीय पृष्ठ S द्वारा घिरा आवेश कितना आवेश है, तो Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, Q1 + Q2 + Q3। तो देखिए Q1 का वैल्यू है 1, Q2 का वैल्यू -2 और Q3 का वैल्यू है 9.854। तो कितना होगा, 2 में से 1 गया -1 और 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8.854 μC। तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 × 10⁻⁶ कूलम। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ एस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, गोलीय पृष्ठ एस से वैद्युत फ्लक्स फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे, फाई एस से। तो फाई एस इक्वल टू जाएगा Q/ε0। क्यू का वैल्यू हमारे पास 8.854 × 10⁻⁶ और ε0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻¹2। इससे डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा और यह जाएगा 10⁻⁶ + 12। तो फाई एस बराबर जाएगा 10⁻⁬ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। अच्छा, अब गोलीय पृष्ठ एस डैश द्वारा घिरा आवेश। अब देखिए जो हमारे पास ये बड़ा वाला जो गोला है, इस गोले के द्वारा कितना आवेश घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे इस गोले के अंदर ये वाला आवेश भी है और ये तीनों आवेश भी है, तो कुल मिला के इसके द्वारा घिरा हुआ आवेश है Q+Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि इसी के अंदर है। ठीक है, तो इसके द्वारा घिरा हुआ आवेश हो जाएगा Q डैश इक्वल टू Q+q। कैपिटल Q+q, Q1 + Q2 + Q3 का वैल्यू है Q, इसका वैल्यू है 8.854 ठीक ना, इंटू टेन टू की पावर माइनस का सिक्स, दोनों ही माइक्रोकूलम में ले लेते हैं। क्लियर है। चलिए कितना फ्लक्स निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गोलीय पृष्ठ एस डैश से वैद्युत फ्लक्स फाई एस डैश इक्वल टू है 4 × 5S, मतलब जितना इस गोले से जितना फ्लक्स निकल रहा उसका 4 गुना फ्लक्स जो है इस गोले से निकलेगा एस डैश से, तो इसका 4 गुना हो जाएगा ये। तो इक्वल टू फाई एस कूलम के नियम के, सॉरी गाउस के नियम के अनुसार फाई एस डैश इक्वल टू जाएगा Q डैश अपॉन
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 इंटू क्यू एस, 4 इंटू क्यू एस, क्यू एस का वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते, ये वाला वैल्यू लेते, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखकर फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, फाइ एस इक्वल टू लेते क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू 4 क्यू। तो यहां से अगर कैपिटल क्यू की बात करेंगे तो कैपिटल क्यू हो जाएगा 3 क्यू, क्योंकि 4 क्यू में से 1 क्यू माइनस हो जाएगा तो 3 क्यू, और 3 इंटू क्यू का वैल्यू है हमारे पास 8.854 इंटू 10 to the power -6। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 12, 4 12 का 2 से लेगा 1 5 15 16, 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 24 और 2 कितना जाएगा 26, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा गुणा 10^-6, तो लिखेंगे 2.5662 गुणा 10^-7 न्यूटन पर कूलम। या ये यहां तक लिख देते इसको 26.56 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10^-6 है ना, तो उसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, या यहीं तक आप छोड़ देंगे तो भी आंसर आपका सही है, क्लियर है। तो यहां पे देखना ये चीज, यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आपका खत्म है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन से एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे माइनस हो जाएगा, बस क्यू का वैल्यू रख के 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहां पे ये वाला वैल्यू रखते हैं तो भी कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां पे आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि किस तरीके से मैं कैलकुलेशन को कम कर सकता हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, S1 और S2 दो खोखले सकेंद्री गोले हैं जो संलग्न चित्र 2.25 के अनुसार Q और तथा 2Q आवेश घिरे हुए हैं, मतलब इसमें 2Q आवेश है, इसमें इसके अंदर Q आवेश है। तो S1 और S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि भीतर के क्षेत्र में वायु के स्थान पर 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो S1 से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो किस तरीके से परिवर्तित होगा, वो हमें बताना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, डायग्राम बना देता हूं मैं। देखिए तो इसमें सबसे पहले S1 पृष्ठ से बद वैद्युत फ्लक्स फाइ वन कितना होगा। देखिए S1 पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो क्यू नेट ग्राव आवेश क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसी S2 पृष्ठ से सबसे पहले निकालते घिरा हुआ आवेश, घिरा आवेश कितना आवेश घिरा हुआ है, क्यू नेट इक्वल टू, देखिए इस बड़े गोले के अंदर ये वाला आवेश भी है और ये वाला आवेश भी है, दोनों आवेश है, तो इसके अंदर घिरा हुआ आवेश है 2Q+Q इक्वल टू हो जाएगा 3Q, कितना जाएगा 3Q। तो S2 पृष्ठ से वद वैद्युत फ्लक्स φ2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट कितना है 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो φ1/φ2 इक्वल टू जाएगा Q/εO/3Q/εO, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3, तो रेशियो हो जाएगा 1:3। तो पहले तो पार्ट ये हो गया, ठीक है ना, कि वैद्युत फ्लक्स का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, कि अगर एक फ्लक्स इस वाले पृष्ठ से निकल रहा तो 3 फ्लक्स इस वाले पृष्ठ से बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर इस अंदर वाले गोले के अंदर एक परावैद्युतांक भर देते हैं, जिसका एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है के है, तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि S1 पृष्ठ के अंदर K
पर अवैध दूध वाला पदार्थ रख दिया जाए, रख दिया जाए तो पृष्ठ के अंदर नहीं वैद्युत क्षेत्र। देखिए जब भी किसी चार्ज को अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम के अंदर रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, के गुना कम हो जाता है। जब मैंने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, आवेश के कारण बल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है कि उसको परावैद्युतांक जितना है, के अगर है जैसे 5 या 10 या 15 है तो क्या करता है 5 गुना उसको क्या कर देता है वैद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। तो अगर के है तो के टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा। तो E-1 इक्वल टू जो E1 बाय के क्लियर है। तो इससे अब इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा फाई डैश वन क्योंकि फर्स्ट पृष्ठ से निकलना है, तो इसलिए उसको हमने नाम दिया वन डैश क्योंकि नई वैद्युत फ्लक्स है, इसलिए फाई वन डैश इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा E1 डैश इंटू डी एस क्योंकि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है E1 डैश इंटू फाई एस क्योंकि चार्ज तो उतना ही है। तो यहां पे हम गॉसेस लॉ यूज नहीं करेंगे, गॉसेस लॉ यूज नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, गॉसेस लॉ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर उसके लिए हम माध्यम के लिए निकालेंगे तो के माध्यम के अंदर रखा है तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो क्यू का वैल्यू है कैपिटल क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई वन है तो वन बाय के इंटू ये हो जाएगा फाई वन, कितना जाएगा फाइव वन हो जाएगा। और के का वैल्यू इसमें दे रखा है फाइव, कितना दे रखा है फाइव दे रखा है, तो ये वन अपॉन फाइव इंटू फाइव वन, तो फाइव वन डैश इक्वल टू कितना जाएगा वन अपॉन फाइव वन, मतलब 5 गुना कम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है ना, एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे और एक आप दूसरा इस तरीके से भी कर सकते थे, फाइव वन डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन E1 डैश। तो इंटीग्रेशन ऑफ E1 डैश को हम लिख सकते हैं E1 अपॉन के, तो E1 अपॉन के dS1, तो ये जाएगा 1/k इंटीग्रेशन E1 dS1 का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके बराबर हम लिखेंगे फाइव वन, तो 1 अपॉन k इक्वल टू जाएगा फाइव वन, तो फाइव वन डैश इक्वल टू क्या जाएगा फाइव वन। अब इस मेथड से भी इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे दोनों तरीके में सेम आ रहा है। यहाँ पर 1/5 गुना आ जा रहा है, मतलब के टाइम से के का वैल्यू 5 रख देंगे तो यहाँ से भी उतना ही आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो मेथड्स अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल आवेशित आवेशित दो प्लेटें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रखी है, इनके आंतरिक पृष्ठों पर आवेश एक दूसरे के विपरीत है, इनके परिमाण समान है, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलम हो, तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल जो है 0.10 मीटर स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी करा है। ठीक है ना, इसमें कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था क्या कि अगर दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के बीच में, ये मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, दो प्लेटें हैं जिन पे विपरीत आवेश है, समान परिमाण के विपरीत आवेश है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इसके बाहरी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमने पिछले प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस किया है। तो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए उसको एक बार प्लीज। तो हमें बेसिकली इसमें निकालना आवेश का परिमाण निकालना है, बट जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो यहां से वैल्यू रख देंगे तो E इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो जो ई ए एप्सिलॉन नॉट देखेंगे, तो यहां पे तीव्रता दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है 55 न्यूटन पर कूलम, प्लेटों पे आवेश का परिमाण निकालना, प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 0.10 इंटू, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है हमारा 8
0.854 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, ठीक है ना। 55 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 48697, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। कितने सब दशमलव, 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4.86 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, तो इसको लिख देते हैं 4.87, 6 को 7 क्योंकि 9 है, इसको हटा देंगे तो इससे पहले वाले संख्या में क्या एक जुड़ जाएगा, कोटिमान का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो 4.87 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, तो इसको लिखते हैं 4.87 पीको कूलम, तो क्यू इक्वल टू इतना कूलम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है, बाकी देखते हैं। सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया, इसमें एक और जीरो लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 × 20 ना, एक और जीरो लगेगा यहाँ पे, और ये इसका जीरो आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो आएगा यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो आएगा 48, इसको लिखते हैं 48.69, तो इसको लिखेंगे हम 48.7 पीको कूलम, ये आएगा आंसर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई 2.2 मीटर तथा त्रिज्या 3.6 मिलीमीटर है, इसकी सतह पर 3.8×10⁻⁷ कूलम का ऋणावेश समान रूप से वितरित है, छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहे कि छड़ के मध्य बिंदु के निकट, मध्य बिंदु के निकट का मतलब है उसके पृष्ठ पर, तो उसके पृष्ठ पर अगर बात करेंगे तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, तभी आप इसको फील कर पाएंगे। जैसे एक रॉड है, ये इस तरीके से एक बेलनाकार ये रॉड है, इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहां से इसके अक्ष से इसकी दूरी इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, तो इसका रेडियस कितना दे रखा है, 3.6 मिलीमीटर, तो R इक्वल टू यहाँ पे रेडियस दे रखा है 3.6 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। नाउ लेंथ है L इक्वल टू दे रखा है छड़ की 2.2 मीटर, और इसकी सतह पर इतना कूलम का धनावेश है, तो Q इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 कूलम। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू तो क्यू अपॉन एल, तो 3.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 बाय 2.2, तो पॉइंट हटा देंगे, तो 38/22 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, कैलकुलेशन बाद में करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं इसको अभी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा किसके लिए, छड़ के लिए वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0, 2π होता है लेकिन इसको 4π कर लेंगे, 4π ε0 2λr, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻²⁹ 9 × 2 × 38/22 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 बाय आर, रेडियस है 3.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 11, कितना जाएगा 11, ठीक ना, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 11 × 33 बचा कितना 5, 11 × 44 बचा कितना 6, और 11 × 55, ठीक है। तो यह जाएगा आपका 9 × 3.45 / 3.6 × 10⁻⁹ और यह जाएगा माइनस का 7, और 3 ऊपर जाएगा तो यह जाएगा प्लस का, तो बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8.65 × 10⁵। सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
60 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10^3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्य अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड है अंदर की तरफ है, ठीक है ना, जो गोला है इस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब इस गोले पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, तो सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4r2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या के कंपैरिजन में ये वाला दूरी जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी बिंदु पर है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल आर व कैपिटल आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय खोखले गोले पर आवेश क्यों इस प्रकार वितरित किया गया है कि दोनों गोलों पर पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, प्रत्येक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, हमें बताने कि प्रत्येक गोले की सतह पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, दोनों के उभयनिष्ठ केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों के उभयनिष्ठ केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र है वो भी बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये तो गोला दे रखा है, इस छोटे गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर और बड़े गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, और मान लेते हैं कि हमने इनको टोटल आवेश, कुल आवेश जो दिया है दोनों गोलों पर, कुल आवेश का जो परिमाण है वो कैपिटल क्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना, ठीक ना, कहीं भी स्किप मत करना इसको, इस क्वेश्चन को खास करके। देखिए टोटल दोनों पे आवेश कितना है, टोटल आवेश है कैपिटल क्यू है, हमने मान लिया है कि स्मॉल जो छोटा गोले है, गोला है, छोटे गोले पर आवेश, गोले पर आवेश हमने मान लिया क्यू वन है, ठीक ना, और बड़े गोले पर आवेश, बड़े गोले पर आवेश हमने मान लिया कितना है क्यू टू है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू कैपिटल क्यू, इतना है ये हमें पता है। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो बराबर है, मतलब जितना पृष्ठ आवेश घनत्व तो छोटे वाले गोले पर है उतना ही पृष्ठ आवेश घनत्व है बड़े वाले गोले पर है, तो अगर छोटे वाले गोले पर और बड़े गोले पर अगर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बता सकते हैं सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू, सिग्मा वन का मतलब छोटे वाले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा टू मतलब बड़े गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्लियर है। तो सिग्मा वन इक्वल टू जो क्यू वन अपॉन 4πr² इक्वल टू, सिग्मा टू इक्वल टू जाएगा क्यू टू अपॉन 4πr कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको समझते हैं एक बार के लिए। तो देखिए यहां पे बेसिकली क्या है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, ए का मतलब एरिया, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना जाएगा 4πr², बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल क्या जाएगा 4πR², क्योंकि यहां पे इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इस पे Q2 आवेश, इस पे Q1 आवेश है, तो यहां पे 4π से 4π हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 upon r² = Q2 upon R² दोनों पक्षों में, इस वाले इक्वेशन में दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं Q1 दोनों पक्षों में हम यहां पे नहीं, पहले सबसे पहले Q1 upon Q2 निकाल लेते, Q1 upon Q2 इसके डिवाइड में जाए तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपन कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो Q1 upon Q2 plus 1 = R² upon R² + 1 एलसीएम ले लेंगे, इसके डिवाइड में वन लेके, इसके डिवाइड में वन लेके, तो ये ऊपर जाए Q1 plus Q2 upon Q2 = R² + R² upon R² देखिए Q1 plus Q2 = कितना है कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज हो गया, तो इसकी जगह रखेंगे कैपिटल क्यू अपॉन क्यू टू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन से अगर क्यू टू का वैल्यू निकालेंगे तो Q2 का मल्टीप्लाई होगा R का मल्टीप्लाई जाएगा, तो कैपिटल Q R² / R² + R² Q2 निकल गया, तो Q1 का वैल्यू कितना होगा Q1 इक्वल टू जाएगा Q - Q2 इस वाले इक्वेशन से Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा लिखेंगे कैपिटल Q माइनस का
Q2 को वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q माइनस कैपिटल Q कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसके डिवाइड में बन लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये क्यू वन का वैल्यू जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र, कितना वैद्युत क्षेत्र है तो छोटे वाले गोले पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके लिए हम देखिए छोटे वाले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना ना, तो इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सिंपल मेथड ये होगा कि बड़े वाले गोले के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो है, क्योंकि इस बड़े वाले गोले के अंदर है और बड़े गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा, तो इस बड़े गोले के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, लेकिन छोटे वाले गोले के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा तो देखेंगे, तो छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पे हम सिंपल हम क्या करेंगे, स्मॉल क्यू वन का वैल्यू रखेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन का वैल्यू देखेंगे यहां पे कितना आ रहा है, Q1 आ रहा है कैपिटल Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। अच्छा बड़े गोले के पृष्ठ पर, बड़े गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, तो बड़े गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई ये वन हो गया ये टू, इसको टू से रिप्रेजेंट करते ई टू बराबर, तो यहां पे छोटे गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा और बड़े गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसमें लिखेंगे स्वयं अपने आवेश क्यू टू के कारण वैद्युत क्षेत्र डैश तथा छोटे गोले पर, छोटे गोले के आवेश Q1 के कारण, इन दोनों के कारण होगा। देखिए समझते हैं इसको, पहले एक चीज जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं इसके पृष्ठ पे इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये जो बड़ा गोला है इस बड़े गोले पे आवेश है Q2, तो इस Q2 आवेश के कारण भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ F ई टू डैश मान लेते इसको, और ऐसे ही इस छोटे गोले के कारण देखेंगे तो ये वाला बिंदु इसके बाहर ही बाहर स्थित है, जब इस छोटे वाले गोले के कारण ये बिंदु बाहर स्थित है, इसके बाहर स्थित है, छोटे गोले से बाहर है, तो इसका मतलब छोटे गोले के कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में ई वन डैश, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़े गोले के कारण भी होगा और छोटे गोले के कारण भी होगा, छोटे गोले के अंदर केवल छोटे गोले के कारण था, बड़े गोले के कारण नहीं था, क्योंकि बड़े गोले के कारण अंदर था ये, और बड़े गोले गोला यहां पे खोखला है और खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र के तना जीरो होता है, इसलिए बड़े गोले के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो केवल इस पॉइंट पे हमने छोटे गोले के लिए निकाला था, तो इसके कारण हो जाएगा Q2 के कारण और Q1 के कारण, तो ये जाएगा Q2 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, Q1 अपॉन R स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या इसका कितना है कैपिटल R, और इसके सेंटर से इसकी दूरी कितना होगा छोटे गोले के लिए भी ये कैपिटल R हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अगर कैपिटल R है तो छोटे गोले के कारण भी हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी ये Q2 है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो देखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो Q1 प्लस Q2 बचेगा, और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये जो ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े गोले के कारण, और इसका सेकंड पार्ट था कि इसके उभयनिष्ठ केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इस पॉइंट पर इसके केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ओ जो है वो दोनों गोले के अंदर है, बड़े गोले के भी अंदर है छोटे गोले के भी अंदर है, और दोनों गोला खोखला है और हमें पता है खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना शून्य होता है, तो उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र
ई इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, शून्य वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि किस तरीके से निकालना है। तो आई होप अगर आपने वीडियो देखा है पूरा इसका तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स करना होता है और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स करने के। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो का जो लिंक है वो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख पाए और एक अच्छी क्वालिटी की फिजिक्स वो भी पढ़ पाए। ठीक है ना, और उनके भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो हमको आपको भी दुआ देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।